भाई जो इंडिया में एक एक आपको अंडरगारमेंट 5,000 का मिलता है यहाँ पे 120 के अंदर, मतलब 5,000 के अंदर चार। ये जो हमारे इंडिया के यूट्यूबर्स जिसके अंदर हवाबाजी करते रहते हैं, ये ले ली वो ले ली, ऐसी कचड़ों के भाव पड़ी रहती हैं डीलरों के पास। ऐसे यहाँ पे डिलीवरी करनी होती है भाई, असल लाइफ जी रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। क्या बनाऊँ बता। तो अभी वो बताऊंगा ना आपको कि फॉर टू पीपल कितने तक की आपकी ग्रोसरीज आपकी आ जाएगी फॉर वन वीक इन ऑस्ट्रेलिया से। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। लो भाई आगे भाई नई गाड़ी की तलाश के लिए, ये पसंद आ गई देखते ही। चलो मजाक की बात छोड़ो, ये जो ये गाड़ी ली है इसने, उसके पेपर्स थोड़े बहुत रह रहे थे या पता नहीं कुछ, उसके लिए आ रखे हैं यहाँ पे। और भाई टाइम, अच्छा वॉच भी डेड हो गई है, 4:30, हाँ 4:30 हो गए मेरे हिसाब से, 4:30, मतलब उठा ही लेट भाई। और ये भी गाड़ी बढ़िया है, और कुंजल ये कितने, ये नहीं मिलेगी $20,000-$25,000 वो मिल जाएगी ना, $20,000-$25,000। ओह क्रेजी मैन, ये मिल जाएगी, ये तो मिल ही जाएगी भाई। स्काईलाइन यही है इसके पास, अनुष्का के पास दिखाइयो। तुम सबने यहीं से लिया है? यहाँ से ले लिए। स्काईलाइन बढ़िया तो है, कौन सा मॉडल है? स्काईलाइन और लैम्बो, ये 2006 मॉडल है भाई। ये जो हमारे इंडिया के यूट्यूबर्स जिसके अंदर हवाबाजी करते रहते हैं, ये ले ली वो ले ली, ऐसी कचड़ों के भाव पड़ी रहती हैं डीलरों के पास। भाई गाड़ी तो आ गई पसंद, तूने मतलब 22 से कम नहीं कर रहा था? ये कम किया था इसने $1,500-$1,500, कोई इतना मतलब नहीं है, ये लो मेंटेनेंस कार लेना चाहिए यहाँ पर। अच्छा देखा नहीं शुभ का क्या हाल हो गया, $5,500-$6,000 की जो उसकी गाड़ी है। तो भाई क्या बोलते हैं उसको, नई गाड़ी भी तो मिल रही है बड़ी। भाई एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर गाड़ी ठूक जाती है ना उसके ऊपर की आपको एक और गाड़ी मिल जाए, आप उसको डबल प्राइस की मिल रही है गाड़ी है, हैं डबल प्राइस की मिल रही है गाड़ी नहीं अभी पता नहीं, मतलब जो भी सीन है वही है। ये जीप भी थे लेकिन वही है ना जो इंडिया में, जैसे इंडिया में आप देखो ई क्लास तो है लेकिन ई ए वाली बहुत लिमिटेड आई थी, टू सीटर आई थी या नहीं आई थी ये भी मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन ई 350 कैबियोले आई थी, लेकिन ये वाली नहीं आई थी 250 टू सीटर। लेकिन भाई ये देखो सी आर वी जीप कंपस ऐसी, मतलब बढ़िया डीलर है, बेस्ट डीलर है ये यहाँ का, बेस्ट डीलर है। हाँ सही है। तो ये कितने की? ये तो इसके कुछ गाड़ी नहीं है, इसकी गाड़ी तो वहाँ और जगह होती है, बेंटले भी है, मैसेराटी। मैसेराटी सही है, सही है। एक तो यहाँ बेल्ट की भाई बहुत दिक्कत है, मतलब अगर बेल्ट पहन, यहाँ स्कैन हो जाता है क्या? मिनट से पहले स्कैन कर लेते हैं लोग, खैर ये नहीं होता कैमरा होता है, वही कैमरा वैमरा जो भी। अभी ये बता तो अभी कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? अंडरवर्ल्ड में, अभी हम थोड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं अभी। तो अभी कौन सी जगह जा रहे हैं हम लोग? हेमबुश, होमबुश, होमबुश, वी आर गोइंग टू होमबुश गाइस, अभी जा रहे हैं उसके, देखते हैं वहाँ से कुछ खा लेंगे, कुछ खाए नहीं सुबह से, कुछ खाना वाना खा लेंगे भाई। यहाँ पे एक तो वेजिटेरियंस के लिए खाना ढूंढना है भाई बहुत ज़्यादा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। मैकडी में यहाँ पे आपको आलू टिक्की तो खैर कहीं मिलता ही नहीं, उसके अंदर आपको मैक चिकन के अंदर चिकन हटवा के आपको हैश ब्राउन्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद सॉस वॉस सारे वो डालते हैं, यही है भाई अभी। और यहाँ 6 बजे सब बंद, टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए, 5 बजने वाले हैं अभी। लो भाई आ चुके हैं, ये मतलब यहाँ का ऑस्ट्रेलिया सिडनी का सबसे बड़ा वो है कि शॉपिंग सेंटर कैमरीज होती है भाई यहाँ पे। पसात ये वाली पुरानी 2016 मॉडल एंडेवर पिकअप, पता नहीं यार देखा नहीं, पिकअप भाई इंडिया जैसी है, लेकिन हाँ पजेरो वजेरो है जो इंडिया में भाई बहुत टाइम से गायब है। माजदा तो भाई 20 साल हो गए, 25 साल ही हो गए गायब, सिविक भी दिखने को मिल जाती है यहाँ।
ये है भाई गाड़ी तो भाई जो इंडिया में ना के बराबर गाड़ी चलती है वो भी है यहाँ पे। MG की नहीं है भाई, लेकिन ये और कोई ब्रांड की है, ये सिस्टर कंसर्न होगी वो उसकी। देखो ग्लॉस्टर निकल जाएगा। अच्छा यहाँ से सर्च करना होता है कहाँ पे है ये रहा मैन लेवल 1 लेवल 2 पे लेवल 2 चलो भाई साहब। और अब ये सुन कुछ 8 बजे तक बंद हो जाएगा। 8 बजे तक यहाँ मतलब यहाँ सारी चीज़ 8 बजे तक क्लोज, ये सब 4 बजे तक खुला रहता बाकी सब क्लोज। अच्छा ये 6 बजे तक ही क्लोज हो जाती है। ये जब वो होता है क्या कहते हैं बॉक्सर्स डे, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे बॉक्सर्स डे होता है दिसंबर में होता है। क्या होता है उसमें? तो उसमें सारे 70-80% ऑफ में होते हैं सारे के सारे। अच्छा नॉटिका भी है यहाँ पे, वाह। 40% हमेशा डिस्काउंट तो रहता ही है यहाँ पे। अच्छा गैस वेस्ट स्टीव मार्टिन भाई तगड़े तगड़े ब्रांड्स है भाई। जो इंडिया में एक एक आपको अंडरगारमेंट 5,000 का मिलता है यहाँ पे क्या 40% ऑफ, तो मतलब यहाँ अप्रॉक्स कितने का मिल जाता है? एक 120 के अंदर, मतलब 5,000 के अंदर 4 भाई साहब। अब देखते हैं भाई कौन सा एक सिलेक्शन करना है हमें भाई। सी के तो हो गया, अब यहाँ एडिडास में देख लेते हैं कुछ मिल रहा है। ये स्लाइड्स तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए, ये स्लाइड्स, लेकिन फिर भी पूछते हैं अगर यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, पूछते हैं यहाँ पे। यो मैन भाई जहाँ ये आपको मिल गया $100 में 4, और ये देखो आपको 400 रुपये का एक गन्ने का जूस भाई, 400 रुपये का 400 रुपीज़ कन्वर्जन के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। ये कहाँ चले गया यार, ये कहाँ पे? भूख लग रही है। सब्वे भी है, सब्वे और मैड मैक्स। इसमें क्या मिलता है? मतलब फीलिंग हो जाएगा, पेट भर जाएगा। अब भैया ये भी है ना, पता ही नहीं चला सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ये क्या पता अभी 2-3 दिन हुए। लो भाई थैंक यू। नो 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 भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये हमारी फर्स्ट मील चल रही है। अभी यहीं बैठ जाए, कहाँ पे? यहीं बैठ जाते हैं कहाँ पे, कॉपीराइट ना आ जाए इन गानों में। बस फर्स्ट मील 6 बज रहे हैं शाम के। चलो भाई आज की पहली डिलीवरी, मतलब कुंजल की लास्ट टाइम तो ये शिवांग की थी, अब ये कुछ फिश या कुछ है पता नहीं, फिश शॉप से कुछ उठाना है, कस्टमर पिकअप होगा वो। अभी सीख रहा हूँ मैं सिस्टम यहाँ का क्या है, वैसे तो फन करने के लिए हूँ अभी मैं यहाँ, लेकिन भाई ठंड हो रही है यहाँ बहुत तगड़ी वाली। ये क्या कर रहा है भाई ये? डोमिनोज यहाँ का, ये है भाई यहाँ की पिकअप ट्रक्स बहुत तगड़ी है। ये कौन सी है? ये निसान की है। ये भाई यहाँ ना सारा अपहिल है, अपहिल या डाउन हिल, तो थोड़ा बहुत थकान भी हो जाती है। ये रहा क्रेजी भाई, क्या स्मेल आ रही है यार यहाँ पे, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ऐसे करते रहता है तू यहाँ पता है। आज की थर्ड डिलीवरी अल्कोहल। यस ऑर्डर फॉर हितेश। Yeah, actually I'm downstairs. It's a very narrow parking. I can't park my car. So can you please come downstairs? Sure. Coming. Okay. अभी इंडिया होता क्या कहता, म्यूट करियो। अभी इंडिया होता ये ऊपर आ लिपसिंग कर रहा हूँ, समझ जाना क्या कहता वो। तो अभी दारू की बोतल है, क्या वाइन है क्या ये पता नहीं है? ऐसे यहाँ पे डिलीवरी करनी होती है भाई, हसल लाइफ जी रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे का। हम लोग ही और कौन है फिर? आ गया, हेलो
भाई आ गया यार, ईस्ट रोड में हूँ, आ गया यार। ओ तेरी टच हो जाएगी भाई, टच नहीं होगी। वन मिनट can I get your ID please? Thank you man. अच्छा आईडी देख के करना होता है क्या सिस्टम? वेरीफाई करना होता है। ओके ये भी सही सीन है भाई, यहाँ पे ऑर्डर भी दे रहे तो अगर 18 प्लस है कितना है यहाँ पे? हैं? फोटो कार्ड है ना? 18 प्लस ही होगा मेरे हिसाब से, तो ऐसा सीन है भाई यहाँ पे। भाई जब से यहाँ आया हूँ, जब से ना फ्रूट्स ना कुछ खाया, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं वूल्सवर्थ में हम लोग यहाँ पे अभी। एंड अभी क्या और क्या लेना है? जैसे जो बेसिक बेसिक, मतलब जो सुबह सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ दो टाइम ही खाना होता है, मतलब तीन टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ये 10-12 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो सुन यहाँ पे वो होंगे आम, आम अच्छा आम लेने लायक नहीं है। और ये क्या है? अनियंस। अनियंस फॉर व्हाट? ब्राउन अनियंस। चल ये ग्रेप्स ले ले। नहीं ग्रेप्स नहीं है, खाते ही नहीं है भाई। हमारे लिए हम दोनों का है। अच्छा हम दोनों का है अब ये। अच्छा दो दो करके होता है क्या डिवाइड यहाँ पे? ऐसे ग्रोसरीज डिवाइड होती है। काश मैं पहले रहता तुम लोगों से, फिर मैं अपना सारा दिखा करता, लेकिन कोई नहीं भाई, अभी तो जैसे ही रह रहे हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। ये क्या ब्रेड्स? आलू है। अच्छा आलू है क्या? मशरूम नहीं लेना? तू बनाएगा ना? क्या बनाऊंगा था? क्या आता है कुछ बनाना? मशरूम्स, पिज्जा नहीं बना सकते, पिज्जा तो बाहर से मंगवा लेते हो। छोटा सा ले ही ले। ऑरेंज एंड पैशन फ्रूट? नहीं पैशन नहीं चाहिए, सिर्फ ऑरेंज। अभी सुबह ब्रेकफास्ट सुबह सुबह उसकी ये ठीक है ना? ऑरेंज नहीं, ये छोटा है, बड़ा वाला चाहिए। बड़ा वाला चाहिए क्या? आगे से देख ले। ये कौन सा ऑरेंज है? ले ले ऑरेंज ले ले। चलो जी अब इसके बाद क्या इंडियन उसमें जाना है? दूध है? बॉर्नवीटा जैसा है कुछ यहाँ पे? हाँ वो ले ले। सुन कॉफी, कॉफी है कुछ ले ले, मैं बना दूंगा। कॉफी है घर पे? कौन सी कॉफी है? कौन सा ले ले? लो भाई जैसे भाई ये मतलब जैसे वहाँ पे लिमका होती है वैसे यहाँ सोलो है। अभी ठंड आ रही है, सोलो की जरूरत है नहीं, फिर भी लेके रख भाई। उठा इसे, सब कुछ उठाओ ऊपर रख। सॉरी डाल जा। पानी की बॉटल भाई, जिस चीज के बिना इंडियंस रह नहीं सकते वो भी ले ली। एक काफी हफ्ते भर के लिए। हाँ तो ब्रामिन भी तो लिया। अच्छा ठीक है ये भी तो है भाई। मैं सोचा इतना कुछ कुछ लेना होगा, हफ्ते भर की ग्रोसरीज है हमारी और ये दो लोगों की है बस, देख लो भाई। अब इसका बिलिंग भी बताऊंगा भाई कितने तक की आ जाती है आपकी, दो लोगों की। और हम लोग वेजिटेरियन है तो सारा प्योर वेज सब कुछ है, नॉन वेज कुछ भी नहीं है। तो अभी वो बताऊंगा ना आपको कि फॉर टू पीपल कितने तक की आपकी ग्रोसरीज आपकी आ जाएगी फॉर वन वीक इन ऑस्ट्रेलिया से। किचन कौन सा है? नहीं ये नहीं, फिर ये यहीं का ब्रांड लग रहा है मेरे को। ये ले ले। कोई नहीं है, ये ले ले। ये सही है। हाँ अभी यही ले ले, ये हमारे रूम में वैसे भी शायद बाथरूम में यही चल रहा है अभी। ये चल रहा है ये वाला। दिखाइए स्मेल करो, ये स्मेल तो आ ही नहीं रही। तो भाई अब आपको बताता हूँ क्या क्या लिया है हमने। राइस सोलो, yeah.
मैगी, वो क्या है शुगर, नूडल्स, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न्स, ये मतलब ये हमारे हफ्ते भर का सारा सामान हमने ले लिया है, चखना और ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चीज़ और ये क्या है चिक पीज, टॉयलेट पेपर, कोकोनट वाटर और ये क्या है कैश्यू नट्स फॉर उपमा, टमाटो केचप। भाई तुम दो ले ले, क्या हो गया। और ये भी चखना, फ्रूट्स, एप्पल्स, एक और एप्पल, अनियंस और ये क्या है पोटैटोस, ब्रेड्स फॉर ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, थोड़ा कुछ मीठा भी हो जाए साथ में विथ ओरियो, और बनानास, ये भी चाय के लिए भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी, टमाटर और एक और ओरियो, मतलब यही सारी, और तो कुछ चीज़ चाहिए। अभी इंडियन वाले में ही जाएंगे ना अभी हम लोग, मतलब अभी एक इंडियन उसमें जाएंगे जिसके अंदर सारे मसाले वसाले मिलेंगे, वहाँ पे जाएंगे मसाले ही मिलेंगे ना, और क्या क्या मिलेगा मसाले घर में, तो वहाँ क्या मिलेगा क्या, वहाँ क्या जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे, दाल वाल लेने, अच्छा दाल वाल लेने जाएंगे, अब वो दूसरा वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ तक ये कौन सा नाम के जगह का, भाई टूरिस्ट पे आया हूँ लेकिन ऐसे काम करना पड़ रहा है जैसे यहाँ रह ही रहा हूँ मैं, जो कि ये रह रहा है, काम ही तो कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, तेरे पैसे दे दिए $2,000 आते ही मिनट से पहले, उसी का तो सामान है ये, कहीं आप सोच रहे हो भाई ये कि ये अपनी कमाई का मेरे को खिला रहा है, मैं लेके आया हूँ वहाँ से बस इसकी कमाई का घर, तेल और गाड़ी, बस ये सारा सामान, पहले दिन प्रोटीन जो भी कुछ है सारा इंडिया से आया है सारा इसका, लो भाई आ गए हैं यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरीज, नेपाली जन इंडियन मिलता है यहाँ पे, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या, ये ग्रीन चिलीज, ये नॉर्मली नहीं मिलता, नहीं। ग्रीन चिलीज हो गई और राई चाहिए मेरे, राई, अच्छा ये, अच्छा ये भी इंडियन, ये वाले इंडियन है, अच्छा इंडियन, यहाँ सब इंडियन मिलता है भाई, मिक्सचर भाई, इंडियन सामग्री भी ले ली हमने, क्या क्या लिया एक बार दिखाइयो पब्लिक को, बता दो अपनी कि इंडियन में क्या क्या हमने लिया है, बताइयो क्या लिया है बताना, कितने $71 का है ये, इसमें सूजी भी लिया हमने, सूजी पोहा राई पराठे, मतलब वो रेडी टू मेड लिए हैं, मतलब देख सकते हो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीज़ें लिए, कम करिए पर देख लो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग कि भाई ये हफ्ते भर बाद ख़त्म हो जाएगा फिर ये, हाँ अगर रोज़ का नहीं, वैसी कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हफ्ते भर, जैसे वो पूरी अंडर पाउडर है सब हफ्ते भर थोड़ी, ये कौन सा मॉडल है टेस्ला का है, मॉडल यहाँ टेस्ला कॉमन चलती है ना बहुत ज़्यादा, टैक्सी में चलती है टेस्ला, नॉर्मल नहीं लेता कोई, और ये कौन सी टोयोटा की प्रियस है ये, लो भाई फाइनली पहुंच गए घर, एक बार बिल दिखाई, मतलब ये जो हमने सामान लिया है आज का थोड़ा वो रैप अप कर लेते हैं, दो बिल है ना, वो पीछे है उसका बिल, पेट्रोल का बिल है, मतलब टोटल मिला के हमारे कितने का आज ग्रोसरी हुई है, $250, नहीं तो तेरे हिसाब से दोस्तों की हो जानी चाहिए थी, मेरे हिसाब से तो अभी $150 में हो जाना चाहिए था, $150 का दो जनों में, $150 दो, मतलब ये तो हम तो भाई भाई हैं, लेकिन अगर वैसे अगर दो में डिवाइड कर लो तो 150 बेसिक नेसेसिटी जो आपको खाना, दाल चावल और ये सब कुछ, और क्या क्या, हाँ तो बहुत सारी चीजें जो एक महीने तक चलेंगी, हाँ मतलब वही है, मतलब मोटा मोटा आपका भाई वीकली आपका दो जनों का $200 आएगा, $200 नहीं आएगा, 75 तक हो जाता है पर पर्सन, हाँ तो ऑलमोस्ट 200 ही हो गया भाई, 20-30 ऊपर नीचे कर दो, $200 आप मान के चलो भाई, स्नैक्स वैक्स कुछ भी, अब जैसे अलग अलग हमने ले लिया तो सब मिला मुलू के, तो इतना भाई हो जाता है वेजिटेरियंस का, तो इतना आप ये देखो कैसे वीकली हमारा चलता है, वीकली चल जाएगा पूरा हफ्ता भर आराम से चलेगा, और अभी जो मेरे लिए नया घर ढूंढ रहा हूँ उसका क्या,
एप्लीकेशन ऑन प्रोसेस है, ऑन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है, अभी इससे भी बड़ा घर ढूंढ रहे। हाँ इसमें सबसे पहले तो भाई गैराज खोलते हैं, गैराज पता नहीं है, ये खुल ही नहीं रहा, इसका सिस्टम आउट हो रखा है। और बाकी भाई अगर ब्लॉग पसंद आया तो कर दो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आपको मोटा मोटा आज आपको पूरी ग्रोसरी शॉपिंग बता दी, ग्रोसरी इन ऑस्ट्रेलिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ से सामान लेते हो। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। भाई बहुत थक गया हूँ, टाइम क्या हो रहा है अभी? 9 बज गए भाई। कब के निकले हम? 5 बजे के निकले, 4 बजे के निकले, 9:30 बज गए, 10:30 बज गए भाई। अभी तो पिज्जा मंगवाएगा ना, ग्रोसरी पड़ी है, लेकिन अभी पिज्जा मंगवाएंगे हम।